उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां मोमबत्तियां बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मोमबत्ती में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 2022 में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर रणनीतियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पर करेंगे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अहम बैठक। दिल्ली में 7 जून से चलेगी मेट्रो, माल बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। नहीं बिक रही चीनी वैक्सीन, खाड़ी देशों में सेल्समैन बन आवाज लगा रहे हैं इमरान खान। वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को मिल सकती है आरटीपीसीआर टेस्ट से आजादी, सरकार कर रही है विचार। सरकारी नौकरी घोटाला, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार, मिले 12,557 नए मामले। 7 जून को हरियाणा के कई थानों का घेराव करेंगे किसान साथी, रिहाई की कर रहे हैं मांग। राज्यपाल धनखड़ पर बरसी महुआ मोइत्रा, कहा अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले आए। हरियाणा में 14 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन शर्तों के साथ खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बार।